पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मिसेस महाजन, आपको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। प्लीज हैव दिस टी, आपको नींद अच्छी आएगी। मिसेस महाजन, आर यू ओके? नहीं, आई मीन ऐसा लग रहा है आपको देखिए कि आप बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं। कोई बात है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, यू नो समथिंग दैट इज डीपली अफेक्टिंग यू। वो मेरी बात समझो, कोयल मुझे पता है इनसिक्योर है, वो क्रिमिनल नहीं है। आपने देखा ना उसका रिएक्शन, शी वाज हर्ट, वो कितने गुस्से में आ गई है, वो नाराज है। प्लीज दो मिनट दो मुझे, मुझे उससे बात करनी है। इट्स ओके मिसेस महाजन, अगर अगर आप मेरे साथ उस बात को शेयर नहीं करना चाहती, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। आई मीन आउटसाइडर्स को हर एक बात नहीं बताई जाती, बट यू नो व्हाट मिसेस महाजन, मैं आपकी वेल विशर हूँ। आई मीन प्रोफेशनल एसोसिएशन अपनी जगह है, लेकिन मैं आप लोगों से इतना अटैच हो गई हूँ, आई मीन आपसे, दिग्विजय से, आप लोगों के लिए इतनी प्रोटेक्टिव हो गई हूँ, यू नो जस्ट लाइक अ फैमिली। थैंक यू युक्ति, बट ये सब बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यू नो अगर तुम उस वक्त अलर्ट नहीं होती तो ना जाने क्या होता, कोई नोटिस भी नहीं करता और शायद मैं मर गई होती। प्लीज मिसेस महाजन, मैं तो बस अपना फर्ज पूरा कर रही थी। युक्ति, मैं एक्चुअली सच में बहुत परेशान हूँ। मैं परेशान हूँ उस लड़की के कारण, कोयल। शी इज नॉट अ राइट मैच फॉर माई सन। उसके एम्बिशंस, उसके ड्रीम्स पता नहीं क्या है। शी विल डिस्ट्रॉय माई सन। गॉड, मतलब आप कह रही हैं लाइक आर यू श्योर कि कोयल दिग्विजय के लिए सही मैच नहीं है? यू नो मिसेस महाजन, दिग्विजय इज कंप्लीटली इन लव विद हर। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगी? एग्जैक्टली युक्ति, हर टीचर कभी भी अपना पार्टनर सही नहीं चुनता, ही इज रॉन्ग, और हमेशा मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ती है उनसे छुटकारा पाने के लिए। लता, इस बार भी मुझे टीजे को हेल्प करनी पड़ेगी उस कोयल से छुटकारा पाने के लिए। बट यू नो मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि आई डोंट नो उस लड़की को मैं अपने बेटे डीजे से कैसे दूर करूँ। ही लव्स हर टू मच एंड इट्स नॉट इजी। उनको हल्के में लेना बंद करो जी। कहे कि हम शक्ति प्रदर्शन पे उतर आए ना तो विध्वंस हो जाएगा। नहीं नहीं कुछ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। क्यों मम्मी जी? सवाल बहुत पूछते हो तुम। हाँ, हम कहे ना हाथ आगे बढ़ाओ तो हाथ आगे बढ़ाओ। मम्मी जी प्लीज बढ़ाओ। मम्मी जी बुड़बक समझते हो हमको? नहीं नहीं मम्मी जी, नहीं। स्टुपिड का कहते हो उसको? नहीं मम्मी जी, स्टुपिड समझते हो हमको? नहीं, नहीं, नहीं। खानदान की अंतरी में जो बात छुपाए ना वो भी जानते हैं हम, सब रात जानते हैं। बताएं, हाँ चलो एक राज बता ही देते हैं, हा? ताकि तुमको विश्वास हो जाए कि हम सच बोल रहे हैं। ये जो वोट बनवाने के लिए बेताब हो, ये बेताबी काहे लिए है ये भी जानते हैं। और बताते होली में कितना कुछ दांव पे लगा है, ये हमसे जाते तक तुम ही जानते हो। हाँ बबुआ, पर मिसेस महाजन ऐसा क्या है जो
दाव पे लगा है. आई मीन यू गाइज आर दी महाजन्स राइट, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है जो आप इतना सोच रहे हैं? तुम्हें कैसे बताऊं कि डीजे के फ्यूचर के लिए हमें सृष्टि की जरूरत है, इसलिए मैंने सृष्टि के लिए हाँ कहा था. एक्चुअली युक्ति, यू नो ना, लव एंड बिजनेस ऑल मिक्स्ड, सब एक साथ, लव एंड ट्रेड सीक्रेट्स. तामाच बना रही है तुमको इज्जत के साथ, तो इज्जत के साथ रहो. बहुत कुछ करेंगे तुम्हारे लिए, बढ़ चढ़ के करेंगे, कर ही रहे हैं. लेकिन हाँ, अगर हमारी कोयलिया से शादी करने से मुकर गए ना बबुआ, तो जौन पी बिल में छिपे हो वहां से खोद के बाहर निकालेंगे. ये शादी तोड़नी ही होगी. हाँ, इस कोयल को सिर्फ डीजे से दूर नहीं, इसे बर्बाद कर दूंगी मैं. बस इसके खिलाफ कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे डीजे को मैं प्रूफ कर सकूं कि लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. डीजे, बस ये शादी टूट जाएगी. अरे डीजे बबुआ, उंगली सलामत है तुम्हारा. इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा संभल के रहना तमाच. ए रजवा, गाड़ी निकाल बे, चलो चलो यहां से. दामाद जी को अकेले में अपना भला बुरा के बारे में सोचने दो. ये तो वार्निंग है डीजे बबुआ, हमको मजबूर मत करना कि हम अपना असली रूप तुमको दिखाएं. मुझे आपसे हेल्प चाहिए, अर्जेंटली. क्या क्या प्लीज मुझसे कहीं बाहर मिल सकते हैं? प्लीज मुस्तानी अंकल, आपको कोयल के बारे में कुछ पता चला? कुछ भी उसके लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी सीक्रेट, कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ भी सस्पिशियस, यू नो, कुछ भी उसके पास से रिलेटेड जो तुम्हारे काम आ जाए, राइट? यस, मुझे पता चला है युक्ति, और जो पता चला है उतना काफी होगा तुम्हारे मकसद के लिए. थैंक यू सो मच अंकल. तो मैं एक काम करती हूँ, मैं रोज को काम पे लगाती हूँ. ओके. Thank you so much for coming. मुझे नहीं समझ आया मैं किससे बात करूं, किससे कॉल करूं, अपना दिल किसके साथ हल्का करूं. Thank you, Dad. Anytime, बेटा. ऐसे पता चला मुझे घर पे क्या तमाशा हुआ है. बताओ क्या हेल्प चाहिए? मांगे से. Still paranoid. अपनी मॉम का गुस्सा तो तुम जानते ही हो. युक्ति है उसके साथ. चाहे शोर की कोयल ने ऑर्गेनिक कैंडल्स खरीदी थी. Are you feeling all right, Mrs. Martin? No, actually, I'm just feeling tired. I need to rest.
थैंक्स मिसेस मार्जन. अभी आप जब फ्रेशन अप हो रही थी तो मेरे माइंड में एक थॉट आया. आई मीन डीजे के फ्यूचर को लेके आपका डर मैं समझ रहा हूँ. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट. बट क्या पता कोयल उतनी भी बुरी ना हो जितना आपको लग रहा है. यू नो मे बी विद टाइम उसका एटीट्यूड उसका बिहेवियर आपके फेवर में चेंज हो जाए कुछ समय में. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें.